ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज अ मेटेलिक पार्टिकल हैविंग नो नेट चार्ज इज प्लेस्ड नियर अ फाइनाइट मेटल प्लेट कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द पार्टिकल विल बी फाइन। सो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। इस तरह से एक फाइनाइट मेटल का प्लेट है जिसपे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। सो सरफेस पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। एक मेटल का पार्टिकल है कुछ इस तरह से, ये जो पार्टिकल है ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। बट ये जो पार्टिकल है ना ये मेटल का है, इट मींस कंडक्टर है। सो कंडक्टर पे क्या होगा, इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पार्टिकल पे जो चार्जेस है वो इंड्यूस हो जाएंगे। सो आप देखो मेटल पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। सो इसके नज़दीक वाले एंड पे नेगेटिव वाले चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे और दूसरे एंड पे पॉजिटिव वाले चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। नाउ अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इस पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, सो आप देखो जो मेटल का पॉजिटिव लाइक यू नो मेटल प्लेट का पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, लेट से F1, और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपेल करेगा, लेट से F2। बट F1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। F1 की वैल्यू क्यों ज़्यादा होगी, बिकॉज इस पार्टिकल का जो नेगेटिव चार्ज है उसका जो डिस्टेंस है प्लेट से वो कम है ना। सो F1 की वैल्यू ज़्यादा होगी F2 से। सो आप देखो इस पार्टिकल पे अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रहा है और रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है, बट जो नेट फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा बिकॉज जो नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्लेट वो कम है ना। सो F1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू F2। नेट फोर्स जो होगा इस पार्टिकल पे बाय द मेटल प्लेट दैट विल बी अट्रैक्टिव। आई होप यू ऑलरेडी नो दीस थिंग्स। कीप वर्किंग हार्ड, स्टफ लाइक बाय।